राष्ट्रवादी कांग्रेस के पुणे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप मणिपुर के दौरे पर हैं। अलग अलग गांव में जाकर हिंसा पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं और जितनी मदद राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। प्रशांत जगताप वहाँ की हालत खुद बयान कर रहे हैं। आम्ही ह्या मणिपूरच्या तेरापूर गावामध्ये आलेलो आहोत, इथं फ्लॅग द्यायला आलेलो आहोत। त्याचं कारण आहे की फ्लॅग देत असताना मणिपूर हा देशाचा हिस्सा कालही होता, आजही आहे आणि उद्याही राहावा यासाठीचा आहे। संविधान आणि हा भारताचा झेंडाच या देशाला एकत्र ठेवेल। कुठल्या पॉलिटिशियन किंवा कुठल्या पक्षाच्या मनात जरी हा देश विभाजित व्हावा असं वाटत असेल, तरी या झेंड्याच्या माध्यमातून हा देश कायम कालही एकत्रित होता, आजही एकत्रित आणि उद्याही राहील याबाबतीत माझ्या मनात शंका नाही। आणि म्हणूनच या संदर्भामध्ये आपण एक पहिले भारतीय आहोत आणि नंतर मग जात धर्म आहोत आणि नंतर मग स्टेट आहे, अशा प्रकारचं एक वातावरण निर्माण करायला आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मणिपुर की नाम खाई, मणिपुर की नाम खाई, भारत माता की जय, मणिपुर की नाम खाई, मणिपुर की नाम खाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, मणिपुर की नाम खाई, मणिपुर की नाम खाई, वंदे वंदे। आपने बोला नहीं, क्या भेजना है आपके लिए? हम बताएंगे। आप बताइए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पर है, उनके द्वारा आप मुझे बताइए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। हम और धीरज भाई हम लोग इसमें आपकी मदद जरूर कर पाएंगे। तेरापुर गांव जैसे हमने एडॉप्ट किया ऐसा समझो, प्रशांत जगताप के मणिपुर के दौरे को लेकर पुणे शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उपाध्यक्ष अफजल सफी शेख ने प्रशांत जगताप की तारीफ की। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं पुणे शहर उपाध्यक्ष एनसीपी के एक मामूली से कार्यकर्ता हमारे पंत प्रधान मोदी जी को पूछ रहा हूँ कि आप मणिपुर जाने से क्यों घबरा रहे? हमारे एनसीपी की ताकत देखो, हमारे शरद पवार जी की ताकत देखो, हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रशांत जगताप पुणे शहर के शहर अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ मणिपुर के अंदर उन लोगों को हौसला अफजाई और उनको दिलासा दे रहे हैं कि आप घबराओ मत, हम पूरे एनसीपी और हमारे पावर साहब आपके साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।